अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुश्ताक ऑटो सर्विस। दोस्तों, आपकी मोटरसाइकिल की जो फ्यूल टैंक है उसके अंदर जब जंग आ जाता है तो उसकी वजह से काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है कि जब जंग जो है कार्बोरेटर के अंदर जाता है तो उसकी वजह से बाइक ओवर करती है, मिसिंग करती है, पेट्रोल ज़ाया होता रहता है, तो उसकी वजह से काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ये आपको कोई 2-4-6 महीने के बाद, साल के बाद जो है ना साफ़ कर लेनी चाहिए। तो फ्यूल टैंक दो तरीके के होते हैं आम रूटीन में, एक बहुत ज़्यादा जिनमें जंग लग जाता है और वो जंग का निकालना ज़रूरी होता है, और एक वो है जो बिल्कुल गल जाते हैं, जिन्हें लीक करना शुरू कर देते हैं, उनको साफ़ नहीं करना चाहिए, वो तब्दील कर देना चाहिए। और एक किस्म ये होती है कि उनमें जंग तो नहीं होता, वैसे कचरा वगैरह होता है, टैंक जेन्युइन होता है, साफ़ होता है, तो उसको सिर्फ आपने खोल के साफ़ करना है, उसका पेट्रोल सारा अच्छी तरह से हिला के निकाल देना है और बाकी का पेट्रोल जो है उसके अंदर साफ़ करके दोबारा से डाल देना है। तो हमारे पास यहाँ पे एक फ्यूल टैंक है, इसमें आपको दिखा देता हूँ काफ़ी जंग है, तो इसको साफ़ कर लेते हैं आज। तो इसमें साफ़ करने के लिए क्या क्या तरीका करना है वो मैं आपको दिखा दूँगा। ये देखें, इसके अंदर पहले अंदर की कंडीशन देख लेते हैं। देखें, काफ़ी जंग जो है उसमें लगा हुआ है, इसकी तय में नज़र आ रहा है हमें। ये देखें, वैसे भी इसमें काफ़ी कचरा पेट्रोल के अंदर नज़र आ रहा है। तो हमने क्या करना है कि इसको हम अच्छी तरीके से जो है ना, इसका हमने पेट्रोल काक नहीं खोला है, ये कप भी हमने लगा रहने देना है और ये काक भी लगा रहने देना है। तो पेट्रोल पाइप को उतार देना है, अच्छी तरह से हम इसको इस तरह हिलाएंगे, इसके अंदर जितने भी कचरे वगैरह होंगे वो सारे जो है हिलजुल के पेट्रोल के अंदर मिक्स हो जाएंगे। और इसको अच्छी तरह आपने 2-3 मिनट जो है हिला लें, क्योंकि जो पेट्रोल है ये भी खुद यानी कि उसको उखाड़ देगा जो उसके अंदर जंग लगा हुआ है। अभी हम इसको खाली कर लेते हैं फ्यूल टैंक को अपने, तो इस तरीके से हमने इसको खाली करना है। और ये देखें, इसमें काफ़ी जो है ज़्यादा कचरे वगैरह निकल रहे हैं, जो जंग की तह अंदर जमी हुई थी वो निकल रही है। ये देखें, तो इससे क्या होता है दोस्तों कि हमारी बाइक का जो पेट्रोल काक होता है उसकी जाली वगैरह जो है बंद हो जाती है ऐसी चीज़ों से। ये क्या क्या चीज़ें इसमें गिरी हुई हैं, तो इसको अच्छे तरीके से आपने हिला के पेट्रोल को जो है हमने निकाल देना है। भाई बता रहे हैं कि उनकी बाइक जो है बार बार ओवर करती है, ये कचरा जो है काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर आ जाता है। तो ये पता नहीं क्या है, रंग है इसका टैंकी का या वैसे कोई जंग है इसके अंदर। तो ये देखें, ये काफ़ी जो है ना इसमें दिक्कत का सामना करना पड़ता है, पेट्रोल की सप्लाई रुक जाती है। ये देखें, यहाँ पे ये भी इसके अंदर से ही निकला है, तो अभी भी कुछ ना कुछ इसके अंदर मौजूद है जिसको हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो अच्छा, खैर, अब ये देखें, यहाँ पे ये कंडीशन आपने देख ली है इसकी। तो जिस बाइक में सिर्फ कचरा हो, जंग ना हो, तो उसको तो सिर्फ इतना ही हमने साफ़ करना है अंदर से। ये देखें, काफ़ी ज़्यादा जंग आपको नज़र आ रहा है अंदर टैंक के अंदर। कैमरे अगर सही तरह से दिखा दे तो, हाँ, ये आपको नज़र आ रहा है जंग लगा हुआ है लेकिन बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है। तो अभी क्या करना है कि इसको हमने साइड में कर देना है, और इसका फ्यूल काक एक दफ़ा मैं खोल के आपको दिखा देता हूँ। कभी कभी ये फ्यूल काक की जाली भी जो है खोल के साफ़ कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से जब इसमें जंग आता है तो इसमें जो है ना काफ़ी ज़्यादा जमा हो जाता है कचरा जो ये जाली है अंदर। ये पाइप का होना ज़रूरी है, ये रिज़र्व का काम करता है। और ये देखें जाली, इस पर काफ़ी ज़्यादा जो है कचरा जमा हो गया है, यानी ये भी इसकी ये जो जाली है इसकी फ़िल्टर जो है ये बंद हो जाता है, जिसकी वजह से पेट्रोल की सप्लाई में दिक्कत आती है। तो अभी हमने क्या करना है कि एक दफ़ा मैं खाने के लिए खोला है, तो एक दफ़ा मैं इसको लगा देता हूँ वापस, क्योंकि हमने इसके अंदर पानी डालना है या हम इसके अंदर कुछ केमिकल डालने वाले हैं एक, ताकि जंग जो है जो जमा हुआ जंग है वो भी अच्छी तरह से उतर जाए। ये लिया है ब्लीचर, लिया है जो कपड़े धोने वाला ब्लीचर होता है, इसको हम डाल देते हैं इसके अंदर,
और अगर बहुत ज़्यादा जंग हो तो आप इसमें गर्म पानी डाल सकते हैं, बिल्कुल खौलता हुआ गर्म पानी डालें ताकि वो अच्छी तरह से उसको जंग को कच्चा कर दे और वो आसानी से निकल आए। तो इसको हम डालने वाले हैं इसमें 10 मिनट के लिए। ये एक बोतल 10-15 रुपए की आपको कहीं से मिल जाएगी। तो ये देखें इसको हमने डाल देना है और इसके साथ दोस्तों ये सोडा डालना है, कोई 4-5-6 चम्मच जो है सोडा डाल दें, कास्टिक सोडा जिसे बोलते हैं या धोबी सोडा बोलते हैं। ये अब मैं 2-3 कप डाल देता हूँ, ये जो ऑयल वाला जो डब्बा है उसके 3-4 ढक्कन में इसमें डाल देता हूँ। और थोड़ा सा दोस्तों हमने इसमें पानी डालना है साथ में, थोड़ा सा पानी डालेंगे, पानी अगर गर्म ज़्यादा गर्म डालेंगे तो उसका ज़्यादा फ़ायदा है। तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। अभी क्या करना है कि इसको हमने टैंकी का कप लगा के अच्छी तरह से दोस्तों हिलाना है। इस तरह हमने अच्छी तरह से इसको हिला देना है। अगर आप इसमें सर्फ भी डाल लें थोड़ा सा तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। एक 10 रुपए वाला सर्फ भी लेके डाल दें और एक हमने ब्रश भी यहाँ पे बनाया हुआ है, उस ब्रश को भी मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी आप जो है इस्तेमाल कर लेंगे तो जंग जो है अच्छी तरह से साफ हो जाएगा अंदर से। वरना तो जो आम सादा कचरा है वो सिर्फ आपने वैसी टैंकी का पेट्रोल अच्छी तरह से हिला के निकाल देना है। एक 10 रुपये का सर्फ भी ले लें, ये आप डाल लेंगे इसमें। ये सिर्फ ज़्यादा जंग वाली टैंकियों के लिए है, बहुत ज़्यादा इसमें इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ इसका पेट्रोल पहला अच्छी तरह हिला के निकाल दें वो भी काफ़ी रहता है। अभी देखें हमने एक ये ब्रश बनाया हुआ है, ये केबल ली हुई है हमने एक मीटर केबल, तो इसमें ये हमने ये जो थैला होता है ना, जो चीनी वगैरह का थैला या खाद का थैला, उस पर हमने ये थोड़ा सा इसका पीस लगाया है यहाँ पर। इस पर थोड़ी सर्फ डाल के हम इसके अंदर इसको हम अच्छी तरह से फेरेंगे ताकि जंग जो है वो अच्छी तरह से धुल जाए, साफ हो जाए। दोस्तों हमने दोनों साइडों से इसको अच्छी तरह हिलाया है। अभी हम इसको अपना जो हमने ब्रश बनाया है इसको बाहर निकाल देंगे और इसको बाहर निकालने के बाद हमने इसको टैंकी का कप लगा के तरीके से जो है हम ये इसको हिलाना है एक दफ़ा। फिर इसके अंदर जो जंग वगैरह कितना इसका साफ़ हुआ है, इसकी कंडीशन क्या हुई है वो हम देख लेंगे। तो ये देखें काफ़ी रंग जो है इसका भी चेंज हो गया है। तो अभी हम इसको कप लगा के दोबारा अच्छी तरह इसको हिलाते हैं। दोस्तों ये ज़्यादा मैंने पहले भी बताया, ज़्यादा जंग वाली टैंकी को ऐसे करना है, उसमें ये चीज़ें डालनी है ब्लीचिंग या धोबी सोडा वगैरह। जो नई टैंकी है आप उसमें सिर्फ उसका पेट्रोल से हिला के सिर्फ पेट्रोल खाली कर दें और दोबारा पेट्रोल का की जाली साफ़ करके लगा दें, तो बस इतना ही काफ़ी होता है। तो दोस्तों ये तकरीबन 10 मिनट इसको हो गए इसके अंदर डाले हुए, तो हम इसको अब निकाल के चेक कर लेते हैं यहाँ पे इसकी कंडीशन क्या निकलती है। तो लाएँ भाई ज़रा, अच्छी तरह से दोस्तों हिला के हमने इसको बाहर निकालना है और इसको देखते हैं इसमें कैसा निकलता है, ये जंग इसका कितना साफ़ हुआ है। तो ये देखें दोस्तों ये तकरीबन इसका काफ़ी ज़्यादा जंग जो है वो ये देखें, ये देखें ये क्या कंडीशन हो गई है पानी की, यानी काफ़ी हद तक जंग जो है वो मिक्स होके इसके साथ उखड़ के बाहर आ गया है। तो अभी क्या है कि दोस्तों हमने इसमें एक दफ़ा इसकी कंडीशन देख लेते हैं। देखें जी काफ़ी बेहतर जो है महसूस हो रहा है अंदर से, काफ़ी कंडीशन जो है इसकी बेहतर हो गई है पहले की नस्बत। दोनों साइडें देखें, हाँ इस साइड भी और दूसरी साइड भी, ये देखें काफ़ी बेहतर हो गया। जंग को हम ख़त्म नहीं कर सकते लेकिन जंग को सिर्फ साफ़ कर सकते हैं ताकि दोबारा वो पेट्रोल कार के अंदर ना आए। अभी हमने इसमें क्या करना है कि थोड़ा सा पानी एक दफ़ा डाल के इसको धो के और इसको खुशक कर लेंगे, खुशक करके हम इसमें पेट्रोल डालेंगे।
थोड़ा पानी डाल लेते हैं एक दफ़ा अच्छी तरह, ताकि इसके अंदर जो ब्लीचिंग वगैरह डाला है वो उसका जो है ना असर ख़त्म हो जाएगा और ये सफाई इसकी बिल्कुल ठीक से हो जाएगी। इसको अच्छी तरह हिला देना एक दफ़ा। फिर हमने दोस्तों इसको खुशक करना है, इसको धूप में रखें, हवा का प्रेशर मारें, जो भी तो इसको अच्छी तरह से करके हमने निकाल देना है। ये देखें थोड़ी मेहनत लगती है लेकिन ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। फिर उसके बाद अच्छा जो है ना पेट्रोल डलवाते रहें तो कोई मसला नहीं आता है। अच्छी तरह से हमने इसको अंदर से इसके निकाल देना है और फिर हमने इसके अंदर हवा का प्रेशर मारे तो फिर भी ठीक है, वरना धूप में रख के इसको 2 घंटे के लिए छोड़ दें, खुशक होने दें, फिर इसको लगाएं। एक दफ़ा और डालते हैं इसमें थोड़ा डाल के, फिर हम आपको दोबारा से साफ़ करके इसको दिखाते हैं। तो दोस्तों हमने इसमें तीसरी दफ़ा पानी डाल के इसको हम निकाल रहे हैं, अच्छी तरह से धो के हम इसे हिला के निकाल देंगे। इंशाल्लाह ये बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी टैंकी में, कोई मसला अब जंग वाली कोई चीज़ नहीं रहेगी। मेहनत थोड़ी सी है इसमें लेकिन ये है कि ये ज़बरदस्त हो जाएगी इंशाल्लाह। पेट्रोल कार्बेटर ओवर प्रॉब्लम जो है, जो कचरे की वजह से होती है, वो नहीं आएगी इंशाल्लाह। तो अभी हम इसको दोस्तों खुशक कर लेते हैं और फिर इसको चेक करके मुकम्मल आपको, बल्कि ये हम जो है ना काग भी अब खोल लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने इसको फाइनली खुशक भी करना है और पानी इसका बिल्कुल हमने निकाल देना है। तो ये देखें जाली के अंदर अब भी कचरा है काफ़ी सारा, और ये भी आप इसकी कंडीशन देख लें यहाँ पे, ये देखें पानी की कंडीशन, ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा जंग जो था वो आ गया है बाहर। अभी हम इसको अच्छी तरह से खुशक कर लेंगे और फिर इसको हम फिटिंग करेंगे और पेट्रोल इसमें नया डाल देंगे। दोनों साइडें दिखाएं जी। दोस्तों जंग बिल्कुल साफ़ हो गया है अंदर से, लेकिन जो जंग लगा हुआ है, मतलब जो कलर चेंज हो गया है, वो तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जंग बिल्कुल साफ़ हो गया है, जंग का बिल्कुल ज़रा भी अंदर मौजूद नहीं है। अभी ये कि आपने इसमें ये चीज़ चेक कर लेनी है कि ये पेट्रोल का की जाली चेक कर लें, अगर इसके अंदर आपको लगता है कि कोई डैमेज है, ख़राब है, तो ये लाजमी नई लगा दें। ये 20-30 रुपये की नई मिल जाती है, जैसा कि हमने लेके रखी हुई है यहाँ पे, ये 30 रुपये की नई मिल जाती है। अगर ये ख़राब है तो ये आप नई लगा सकते हैं। पेट्रोल का ये रिज़र्व वाला पाइप भी चेक कर लें, इसको जो है हमने बिल्कुल सही लगाना है, और ये रिंग जो है रबड़ का यहाँ पे लाजमी होना चाहिए ताकि लीकेज वगैरह ना हो। तो दोस्तों यही था तरीका जो टैंकी आप अपनी साफ़ कर सकते हैं बाइक की, बहुत आसान तरीका है और बिल्कुल सस्ता हो जाती है बिल्कुल। जंग जो अंदर लग गया है वो तो हम निकाल नहीं सकते बाहर, लेकिन जो मतलब जो वैसे कच्चा जंग है वो इससे बाहर आ जाता है सारा, जो ऊपर वैसे उसके तय पे लग गया, कलर चेंज हो गया, वो तब्दील नहीं होगा। और उसको ना भी निकालें तो कोई उसका ख़तरा नहीं है, क्योंकि जो कच्चा जंग होता है वो काक में आता है। तो उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।